dear students, कैसे हैं आप? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिनोल और सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में पीके वैल्यू किस तरह से डिसाइड की जाती है, यानी ऐसे कौन कौन से पैरामीटर या इफेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की पीकेए वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फिनोल एसिडिक होता है क्या? मान लीजिए हमारे पास फिनोल है, अगर ये अपना OH बॉन्ड को ब्रेक करके यहां से H पॉजिटिव को रिलीज करता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस O पर शिफ्ट होने से O नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है, जिससे फिनोल से फिनोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब बनने वाले इस फिनोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज बेंजीन में माइग्रेट कर सकता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज होता है। इस कारण से फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फिनोक्साइड से टोटल 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए फिनोल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम इस फिनोक्साइड आयन की RS को कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से मूव करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन मूव करते हैं और बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके पैरा पोजीशन पे चले जाते हैं और फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली इस फिनोक्साइड की RS के अलावा 3 और RS इसमें बनती है, जिसमें 2 बार इन ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है और 1 बार इस पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी अगली आरएस को ना बनाते हुए हम इसका सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें तो इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज इन 2 ऑर्थो पोजीशन पर गया होगा और फिर पैरा पोजीशन पर गया होगा। क्योंकि फिनोल के एच पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद बनने वाला फिनोक्साइड इसका कंजुगेट बेस ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर मान लो हमारे पास फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना है तो इसकी रिंग पे हमको ऐसे क्या ग्रुप लगाने होंगे जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि बनने वाला कंजुगेट बेस अगर इस फिनोक्साइड से भी ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसी कंडीशन में फिनोल पे जो हमने ग्रुप लगाया है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। अब मान लो हमारे पास कोई फिनोल है और उसमें कोई ग्रुप जी लगा रखा है। ग्रुप को यहां पे लगाने का मतलब है कि इस ग्रुप को हम अपनी मर्जी से ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर लगा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बना वो इस चीज को शो कर रहा है कि इसमें नेगेटिव चार्ज दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जनरेट होता है। अगर ग्रुप ने यानी जी ग्रुप ने अगर इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया तो इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमको 2 बातों का ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ये जो जी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। चूंकि हमको इसके कंजुगेट बेस में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करना है, इसलिए अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ऐसी कंडीशन में ही इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो पहली चीज तो जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। दूसरा, ये कहां होनी चाहिए? चूंकि ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर मूव कर रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो इनकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ग्रुप रखने वाला फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें जी ग्रुप के इफेक्ट को हम Ka और PkA के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसी कंडीशन में ये इस कंजुगेट बेस में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे और इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे फिनोल की एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी Ka वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जबकि PkA वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, चूंकि ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है और इस पर इलेक्ट्रोनेसिटी इंक्रीज होने से इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ने से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी घट जाएगी, यानी कि जो फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, इसलिए उसकी Ka वैल्यू घट जाएगी या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उसकी PkA वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रुप जी के शो होने वाले इफेक्ट के बेस पे भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब इससे -I या -M इफेक्ट शो हो रहा है। ऐसी कंडीशन में -M इफेक्ट जो होगा वो -I के मुकाबले में ज्यादा हेल्प करेगा और इन दोनों इफेक्ट से इस ऑर्डर में फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी।
इसी तरह से जी की फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उनसे प्लस आई या फिर प्लस एच या फिर प्लस एम इफेक्ट शो होता है। इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर इस तरह से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे फिनोल जिसमें प्लस आई इफेक्ट है वो उसको कम नुकसान पहुंचाएंगे और प्लस एम के कंपैरिजन में ऐसा फिनोल ज्यादा अच्छा एसिड होगा। एग्जांपल नंबर वन, यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के फिनोल दिए गए हैं जिनको ए से लेकर ई तक की मार्किंग की गई है। तो सबसे पहले इस फिनोल में जब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो फिनोक्साइड बनेंगे और ये फिनोक्साइड का अगर नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में माइग्रेट करेगा तो सभी केसेस में नेगेटिव चार्ज दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर माइग्रेट करेगा। अब आपको एक चीज अच्छे से समझनी है कि हमने इसका कंजुगेट बेस नहीं बनाया है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि सभी OH ने अपना H को रिमूव करके O नेगेटिव बनाया होगा और O नेगेटिव जब बेंजीन रिंग के थ्रू स्टेबलाइज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज सभी में दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, जिन पोजिशन पर ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है उन पोजिशन पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके डोमिनेंट इफेक्ट को कंसिडर करना है। ध्यान ये रखना है कि ऐसी कंडीशन में अगर कभी भी हेलोजन दिया जाता है और हेलोजन पैरा पोजिशन पर हो तो उसमें हमेशा माइनस आई को डोमिनेंट मानना है और उसके प्लस एम को माइनर इफेक्ट मान लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो बी केस होगा, बी केस में जो नाइट्रो ग्रुप होगा इस नाइट्रो ग्रुप में माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट होगा। सीएल में जैसे अभी हमने बोला कि हेलोजन पैरा कंडीशन में है इसलिए इसमें हम इसका माइनस आई कंसिडर करेंगे। मिथाइल ग्रुप जो होता है इसमें प्लस एच इफेक्ट डोमिनेंट होता है और साथ में इसमें प्लस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से जो ओएमई होता है इसका डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम होता है जो कि माइनस आई से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस किसका होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस इसमें बी वाले फिनोल का होगा क्योंकि इसमें कंजुगेट बेस में नाइट्रो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रही है जो माइनस एम के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। और इनमें से सबसे ज्यादा लेस स्टेबल कंजुगेट बेस ई का होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम प्रेजेंट है जो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा और रिपल्शन के कारण इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इन पांचों के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी का कंजुगेट बेस, फिर हमारे पास आएगा सी का कंजुगेट बेस और देन ए का कंजुगेट बेस। ए का कंजुगेट बेस क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई ग्रुप लग नहीं रहा है तो ना तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही इसमें नुकसान हो रहा है, जबकि इस बी और सी में कंजुगेट बेस में ग्रुप के कारण फायदा हो रहा है। इसके बाद ऑर्डर आएगा डी का और सबसे लीस्ट होगा ई का। और एसिड बेस के प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसमें जो कंजुगेट बेस का ऑर्डर है वही इन फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके पीकेए वैल्यू के थ्रू भी हम कंफर्म कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में पीकेए वैल्यू सबसे कम होगी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इस एग्जाम्पल में हम Br की जगह पर Cl भी ले सकते थे या फिर I को भी एज्यूम कर सकते थे, बट ऐसे केस में कभी भी हम F को एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि अगर F होता तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता जिसको हम बाद के एग्जाम्पल में डील करेंगे। अगर कंपैरिजन करते वक्त हेलोजन सिर्फ एक हो जैसे एग्जाम्पल वन में या एक ही टाइप के हेलोजन हो जैसे इस एग्जाम्पल में, ऐसी कंडीशन में उनमें माइनस आई इफेक्ट को ही लेकर क्वेश्चन को डील करना है, यानी माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस एम इफेक्ट से डोमिनेट मान के क्वेश्चन को करना है। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ए में ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि ए में हेलोजन ही प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह माइनस आई इफेक्ट जो है वो बी में, सी में और डी में, तीनों में ऑपरेट होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो माइनस आई फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, फिर मेटा पोजीशन से इफेक्टिव होगा और सबसे कम पैरा पोजीशन से इफेक्टिव होगा। और इसके बेस पे इन चारों का हम कंजुगेट बेस को अज्यूम कर लेते हैं, इन चारों में ही हम OH से H को रिमूव करके फिनोक्साइड या सब्स्टिट्यूटेड फिनोक्साइड बना लेते हैं।
अब इन चारों में से सबसे ज्यादा किसका स्टेबल कंजुगेट बेस होगा इसको हम कंसिडर करते हैं। इसमें एक चीज तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो कंपाउंड ए फिनोल था उसमें किसी भी तरीके का हेलोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि बाकियों में इसमें हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसके नेगेटिव चार्ज को वो खींच कर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। यानी जो कंपाउंड ए का कंजुगेट बेस होगा वो तो हो गया सबसे लीस्ट स्टेबल। चूंकि इसमें हमने बी आर का और कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ माइनस आई कंसिडर करना है और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए अब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, क्योंकि इसमें इस बी आर का डिस्टेंस मैटर करेगा, जो सबसे नजदीक होने के कारण इस फिनोक्साइड के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से खींच लेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, देन मेटा पोजिशन से सी होगा और देन पैरा पोजिशन से डी होगा। ये इन चारों के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आ गई। अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये है तो जो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए इन चारों कंपाउंड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी का जो ऑर्डर आया है वो सेम इसी तरह से होगा कि बी फिनोल जिसमें बी आर ऑर्थो पोजिशन पे है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सी वाला फिनोल होगा, देन डी होगा और सबसे लिस्ट इसमें ए होगा। इस एग्जाम्पल के रिजल्ट को हम इसकी पीके ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना लेस एसिडिक होगा। इसमें ऑर्थो ब्रोमो फिनोल की पीके वैल्यू 8.58, मेटा ब्रोमो की 9.12, पैरा ब्रोमो की 9.48 और फिनोल की 9.98 होती हैं। ये वैल्यू क्लियरली इंडिकेट करती है कि जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना लीस्ट एसिडिक होता है, और जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इस एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंट हेलोजन है, इसलिए हेलोजन के सभी पॉसिबल इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। जैसे फ्लोरो के केस में और क्लोरो के केस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्लोरो में एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसलिए जब इन दोनों कंपाउंड का एच को रिमूव करके फिनोक्साइड बनाएंगे तो इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तीन जगह पे माइग्रेट करेगा, जिसमें से दो ऑर्थो पोजीशन होगी और एक पैरा पोजीशन होगी। इसका जो पहले वाला कंपाउंड होगा उसमें फ्लोरिन का माइनस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और इसी तरह सेकंड कंपाउंड में क्लोरिन के माइनस आई से भी सेकंड कंपाउंड स्टेबलाइज होगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल के इफेक्ट को कंसिडर करें जो कि माइनस एम होगा, तो माइनस एम इफेक्ट एफ में प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ये इफेक्ट इसके सीएल के एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा पैरा पोजिशन में पहुंचने के बाद अब सीएल के अंदर चला जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस से टोटल 4RS बनेगी। इसी तरीके से इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस से टोटल 5RS बनेगी, जिसमें 1RS में जब ये पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की। चूंकि इसके कंजुगेट बेस को केवल माइनस आई के थ्रू ही स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि इसके कंजुगेट बेस को माइनस आई और क्लोरीन का माइनस एम से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इन दोनों का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्लोरीन वाला कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए क्लोरीन वाला जो फिनोल होगा इसकी एसिडिक नेचर या एसिडिटी जो होगी वो ज्यादा आएगी। इसके इस रिजल्ट को इसकी पीके ए वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम पैरा फ्लोरोफिनोल की पीके ए वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू 9.95 आती है, और इसी तरीके से अगर हम पैरा क्लोरोफिनोल की पीके ए वैल्यू देखें तो ये 9.38 आती है। इसका मतलब ये हुआ जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू कम होगी वो कंपाउंड ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में मेंशन दोनों कंपाउंड को सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 के दोनों कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें हमको एक चीज ये समझ में आती है कि इसमें कार्बन और एफ के बीच में यहाँ पर CH2 ग्रुप आ चुका है, और इसी तरीके से कार्बन और Cl के बीच में यहाँ पे भी CH2 ग्रुप आ चुका है। अगर हम इन दोनों कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से H को रिमूव करके इसके कंजुगेट बेस को ड्रॉ करेंगे, और इसके कंजुगेट बेस का जो ओ नेगेटिव होगा
जब वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करेगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये आ गया कि इस CH2 ग्रुप के प्रेजेंट के कारण यहां पर क्लोरीन का माइनस एम इफेक्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस CH2 ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज अब इस Cl के माइनस एम ऑर्बिटल में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि sp3 के कारण इन दोनों के बीच में कंजुगेशन जो है वो ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ इसमें F के थ्रू भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, Cl के थ्रू भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। इसमें कंजुगेशन ब्रेक हो चुका है, इसको हम इसकी RS से भी समझ सकते हैं। जैसे पैरा क्लोरोफिनोल का जो कंजुगेट बेस है, अगर हम इसके टोटल RS को कंसिडर करें तो इसके कंजुगेट बेस की टोटल RS 5 आती है, जबकि इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस की टोटल RS को कंसिडर किया जाए तो ये टोटल RS 4 होती है। इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव चार्ज यहां तो क्लोरीन के साथ कंजुगेशन में था और क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में एंटर कर गया था, जबकि इस वाले कंपाउंड के कंजुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज यहां दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होने के कारण अब ये कंजुगेशन में ना होकर आइसोलेटेड होगा, और ये नेगेटिव चार्ज किसी भी तरीके से अब इस Cl के एम्प्टी ऑर्बिटल में एंटर नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दोनों ही एग्जांपल को हम इसके माइनस आई इफेक्ट के बेस पर ही डील करेंगे, और दोनों ही एग्जांपल में किसी भी तरीके से माइनस एम इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोनों एग्जांपल में माइनस आई किसका ज्यादा होगा। चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए दोनों ही केस में माइनस आई इफेक्ट तो प्रेजेंट होगा, बट फ्लोरीन के केस में ये माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के थ्रू एच रिलीज होने पर जो कंजुगेट बेस बनेगा उसमें इस हिस्से के माइनस आई इफेक्ट के कारण इसका कंजुगेट बेस इसके कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होगा। यानी इन दोनों कंपाउंड में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का या एसिडिटी का कंपेयर करें तो इसमें जो कंपाउंड फर्स्ट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में मिथाइल ग्रुप के इफेक्ट को फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है इसका डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एच होता है, इसके साथ इसमें प्लस आई इफेक्ट भी होता है। और इसी वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि अगर किसी ग्रुप का इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट हो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो फिनोल के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ इन चारों में जो सिंपल फिनोल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए। अब इसको हम पूरे एग्जांपल को डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसमें अगर हम डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एच ले रहे हैं तो प्लस एच की अगर हम बात करें तो प्लस एच ए में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, और बी एग्जांपल में प्लस एच इफेक्ट होगा, सी में ये प्लस एच नहीं होगा, और डी में अगेन ये प्लस एच होगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सी में हमने मिथाइल का प्लस एच इफेक्ट शो नहीं किया है। इसका मेन रीजन ये है कि जीओसी में हमने ये चीज देखी थी, अगर दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होते हैं ऐसी कंडीशन में अगर उनमें रेजोनेंस यानी मिजोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होता है वो मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं हो पाता। इसीलिए अगर मिथाइल इसकी मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो हमने इसके प्लस एच को कंसिडर नहीं किया है। अब बात करते हैं इसमें प्लस आई इफेक्ट की। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट उन सभी में प्रेजेंट होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यानी इस एग्जांपल में अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, फिर मेटा पोजीशन से लगेगा, और फिर पैरा पोजीशन से लगेगा, जबकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो मिजोमेरिक इफेक्ट की तरह डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी में मिथाइल जितना प्लस एच शो कर रहा होगा उतना ही ये डी का मिथाइल शो कर रहा होगा, ठीक है। यानी बी और डी एग्जांपल को आप ऐसा कह सकते हो दोनों का हाइपर कंजुगेशन सेम पावर का होगा। अब बात करते हैं इन चारों कंपाउंड के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले इनके एच को रिमूव करके इनसे फिनोक्साइड या सब्स्टिट्यूटेड फिनोक्साइड बना लेते हैं। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी को देखें तो इसके कंजुगेट बेस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस एच और प्लस आई के कारण कंजुगेट बेस को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस केस में जो ए कंपाउंड होगा उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी।
उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी आएगी? चूंकि इसमें दो इफेक्ट नुकसान कर रहे हैं, इसमें दो इफेक्ट नुकसान कर रहे हैं, जबकि सी में केवल नुकसान प्लस आई के थ्रू हो रहा है, इसलिए इन तीनों में से अब जो सी होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। अब बात रही बी और डी की, बी और डी में दो दो इफेक्ट नुकसान कर रहे हैं, बट हाइपर कंजुगेशन का नुकसान इसमें इक्वल माना जाएगा, जबकि ऑर्थो पोजिशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो बी में ज्यादा नुकसान करेगा, जबकि डी में यही ग्रुप जो है पैरा पोजिशन पे है, इसलिए बी और डी में हाइपर कंजुगेशन को छोड़ते हुए इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड जो डी होगा उसका कंजुगेट बेस कंपाउंड बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगेन यही, जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है। इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी की बात करें तो इसमें सेम वही ऑर्डर आएगा जो इसके कंजुगेट बेस का है, यानी ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी, देन डी, और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें बी होगा। इस एग्जांपल के पूरे रिजल्ट को हम पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। जिस कंपाउंड के पी के वैल्यू सबसे कम होगी वो कंपाउंड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें पी के ए वैल्यू ज्यादा होगी वो उस सीरीज का सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। एग्जांपल नंबर 6 में फिनोल की पैरा पोजीशन पर CH3 और CD3 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इसके डोमिनेंट इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो ये CH3 या CD3 ग्रुप है इसका प्लस H इफेक्ट जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट से डोमिनेंट होगा। अगर हम प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन में हमने ये देखा है कि CH बॉन्ड को ब्रेक करके हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू CD बॉन्ड, इसलिए अगर हम प्लस एच की बात करें तो CH3 ग्रुप का जो प्लस एच इफेक्ट होगा वो CD3 के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो मास डिपेंडेंट होता है, यानी हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं उनके मास पे डिपेंड करता है, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसी कारण से इसमें अगर हम प्लस आई की बात करें तो जो CD3 है उसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो CH3 ग्रुप से ज्यादा होगा। चूंकि प्लस एच इफेक्ट प्लस आई से डोमिनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इस रिलेशन को कंसिडर करेंगे कि CH3 का जो प्लस एच इफेक्ट है वो CD3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो पहले वाले केस में भी प्लस एच इफेक्ट होगा, दूसरे वाले केस में भी प्लस एच इफेक्ट होगा, और पहले वाले केस में CH बॉन्ड के जल्दी टूटने के कारण प्लस एच इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा। अब दोनों ही इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो या प्लस एच हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं और इस फिनोल के कंजुगेट बेस को वो डिस्टेबलाइज करते हैं, इसलिए इन दोनों में से इसका प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इस फिनोल का जो कंजुगेट बेस होगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, इसलिए इन दोनों में से इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होने के कारण इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या इसकी Ka वैल्यू ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, इस एग्जाम्पल में OMe ग्रुप प्रेजेंट है, OMe के दो इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई होता है दूसरा प्लस एम होता है, जिसमें से प्लस एम इफेक्ट इसके माइनस आई से ज्यादा डोमिनेट होता है। इसी तरह से इन चारों कंपाउंड में अगर हम माइनस आई की बात करें तो पहले वाले कंपाउंड में ग्रुप प्रेजेंट ना होने के कारण माइनस आई इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता, बी कंपाउंड में, सी कंपाउंड में और डी कंपाउंड में इस OMe ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसी तरह OMe के अगर प्लस एम इफेक्ट को देखें तो प्लस एम इफेक्ट कंपाउंड ए में पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें OMe ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, और इसी तरह प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो केवल बी में और डी में होगा, सी में प्लस एम इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप अगेन एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं, और मेटा पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप होते हैं और उनके थ्रू अगर हाइपर कंजुगेशन या मेसोमेरिक शो हो तो ऐसा इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इन चारों कंपाउंड के CB की स्टेबिलिटी पर। कंपाउंड जो सी होगा इसका CB जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कंपाउंड सी में जब यहां से एक एच पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो जो CB बनेगा उसमें इस OMe के थ्रू केवल हेल्प करने वाला इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा,
जो इसके सीबी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और अगर हम ए की बात करें, ए कंपाउंड में कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो उसकी मदद करे या उसको नुकसान पहुंचाए, इसलिए ए कंपाउंड का जो सीबी होगा वो बी और डी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड बी और डी की। अगर इनके हम कंजुगेट बेस की बात करें तो दोनों ही कंपाउंड में ओएमई ग्रुप के थ्रू प्लस एम इफेक्ट शो होगा जो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, बट मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए कंपाउंड बी के सीबी में और डी के सीबी में इस प्लस एम इफेक्ट को हम कॉमन मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। चूंकि बी के सीबी में ओएमई नजदीक होने के कारण इसके माइनस आई इफेक्ट से जो बी का सीबी होगा वो डी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसलिए इसमें जो स्टेबिलिटी का फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम स्टेबल डी होगा। और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी उस कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जिसका कंजुगेट बेस जितना लेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। इसको हम इसके पीके वैल्यू से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड का पीके ए वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा वो कंपाउंड उस सीरीज में ज्यादा अच्छा एसिड होगा, और जिसका पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उस सीरीज का सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास फिनोल का कंपेरिजन नेफ्थोल के साथ दिया गया है। इसमें नेफ्थलिन की इस पोजीशन को अल्फा कहा जाता है, यहाँ पर OH प्रेजेंट होने के कारण इसे अल्फा नेफ्थोल या वन नेफ्थोल कह सकते हैं, और नेफ्थलिन में इस पोजीशन को बीटा कहा जाता है, यहाँ पर OH प्रेजेंट होने के कारण इसको हम बीटा नेफ्थोल या टू नेफ्थोल कह सकते हैं। अगर इन तीनों कंपाउंड के H रिमूव करने के बाद कंजुगेट बेस बनाए तो इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी RS से डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पहले कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस बनाएंगे इसमें टोटल हमारे पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, जबकि बीटा नेफ्थोल से H निकालने के बाद इसके कंजुगेट बेस से 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाती हैं, और फिनोल से H निकालने के बाद इसके कंजुगेट बेस से टोटल 4 RS पॉसिबल हो पाती है। किसी कंपाउंड में जितनी ज्यादा RS बनती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए अगर इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस की जो इसमें स्टेबिलिटी आएगी वो अल्फा नेफ्थोल की सबसे ज्यादा आएगी, फिर बीटा नेफ्थोल की आएगी, और फिर हमारे पास फिनोल की आएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा नेफ्थोल की होगी, फिर बीटा की होगी, और फिर हमारे पास फिनोल की होगी। इसमें इस डेटा को हम इसकी पीके ए वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अल्फा नेफ्थोल का जो पीके ए वैल्यू आती है वो 9.34 आती है, जबकि बीटा नेफ्थोल की ये वैल्यू 9.51 होती है, और फिनोल में ये वैल्यू 9.98 होती है। यानी जिस कंपाउंड में पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना अच्छा एसिड होता है, और जिस कंपाउंड में पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उस सीरीज का सबसे पुअर एसिड होता है। एग्जाम्पल नंबर 9, इस एग्जाम्पल में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रो ग्रुप के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है इसका माइनस आई इफेक्ट और एक होता है इसका माइनस एम इफेक्ट। इसका माइनस एम इफेक्ट इसके माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेट होता है, और अगर इन तीनों कंपाउंड में इनके OH से H को रिमूव करके कंजुगेट बेस बनाएं और उसके नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग में माइग्रेट करें तो ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पे भी माइग्रेट करता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आएगा कि इस कंडीशन में, इस कंपाउंड में जैसे ही चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के माइनस एम और माइनस आई के कारण इसके अंदर मूव कर जाएगा, यानी कि इसके कंजुगेट बेस से टोटल हमारे पास 5 RS बन जाएगी। और इसी तरह जब सेकेंड कंपाउंड के यहाँ से H को रिमूव करके कंजुगेट बेस बनाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज 3 जगह आएगा और इन दोनों जगह पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसकी एक्स्ट्रा RS आ जाएगी, यानी इस कंपाउंड से हमारे पास टोटल 6 RS बनेगी। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में इनकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर
नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए नेगेटिव चार्ज जब ये ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पे आएगा तो इन नाइट्रो ग्रुप के कारण उसमें एक्स्ट्रा माइनस एम इफेक्ट शो हो जाएगा, यानी कि इससे टोटल 7 RS बनेगी। तो किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा RS बनेगी उतनी ज्यादा उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी, यानी इन तीनों में से कंपाउंड नंबर जो थर्ड है इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और कंपाउंड नंबर जो फर्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिस फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे। इस एग्जांपल के रिजल्ट को हम इसकी पीकेए वैल्यू से कंफर्म कर सकते हैं। पैरा नाइट्रो फिनोल में ये पीके वैल्यू 7.2 होती है और इसी तरह जब फिनोल की दूसरी और चौथी पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप हो तब इसकी पीके वैल्यू 4 हो जाती है और 3 नाइट्रो ग्रुप होने पर इसमें पीके वैल्यू 0.4 हो जाती है। इसलिए जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो कंपाउंड लीस्ट एसिडिक होगा और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू सबसे कम होगी वो उस सीरीज का स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नाइट्रोफिनोल दिए गए हैं जिसमें से कुछ मोनोनाइट्रोफिनोल है, कुछ डाइनाइट्रोफिनोल है और कुछ उसमें ट्राइनाइट्रोफिनोल है। अगर इन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो अभी हमने देखा है कि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी अगर ज्यादा होती है तो उसकी के वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पीके वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इन सभी फिनोल के ब्रैकेट में रेड कलर से उनकी पीके वैल्यू लिखी हुई है। अगर इन पीके वैल्यू के बेस पे हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक एसिड होगा, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होती है और इस सीरीज में सबसे वीक एसिड कंपाउंड नंबर सेकंड यानी 3 नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल होगा जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एग्जांपल नंबर 10। इस एग्जांपल में एक तो हमारे पास ओएमई ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें प्लस एम इफेक्ट उसके माइनस आई से डोमिनेट होता है। दूसरा इसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें अगेन प्लस एम इफेक्ट इसके माइनस आई इफेक्ट से डोमिनेट होता है। बट यहाँ पे खास बात यह है कि OME या NH2 ग्रुप इसमें मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में OME या NH2 ग्रुप के थ्रू अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं हो सकता, यानी इसमें इन दोनों ग्रुप का हम माइनस आई इफेक्ट पकड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ इसमें OME का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें NH2 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा और फिनोल में कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। एक चीज तो इससे कंफर्म हो गई कि इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो इससे ज्यादा आएगी, क्योंकि माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि इन दोनों में जो एसिडिटी का जो ऑर्डर आएगा उसमें सबसे लीस्ट हमारे पास फिनोल हो जाएगा। अब बात करते हैं OME और NH2 ग्रुप की। चूंकि OME का माइनस आई इफेक्ट NH2 के माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इस कंपाउंड के थ्रू बनने वाला कंजुगेट बेस OME के स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अगर इसके कंप्लीट ऑर्डर की बात करें तो इसका कंप्लीट ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। इसके इस ऑर्डर को हम पीके वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा अच्छा एसिड होता है और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उस सीरीज का सबसे पुअर एसिड होता है। इस एग्जांपल में हमारे पास दो तरह के फिनोल दिए गए हैं। पहले वाले फिनोल में 3 हेलोजन है जो कि उसकी 2,4,6 पोजीशन पे है, इसलिए ये 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल है। दूसरे कंपाउंड में भी 3 क्लोरीन है बट ये 3, 4 और 5 नंबर पोजीशन पे है, यानी कि ये हमारे पास 3,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोल है। चूंकि क्लोरीन का या हेलोजन का ऐसे केसेस में माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर किया जाता है, इसका मतलब ये है इसमें 3 बार माइनस आई इफेक्ट लगेगा और इस कंपाउंड में भी 3 बार माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इन दोनों फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए यहां से एक एच पॉजिटिव को रिमूव करके इन दोनों का कंजुगेट बेस बना लेते हैं। अब जिस कंजुगेट बेस में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी और उस फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों कंपाउंड के कंजुगेट बेस में 3-3 Cl एटम प्रेजेंट है, इसलिए दोनों ही कंपाउंड के कंजुगेट बेस में इन Cl का 3-3 बार माइनस आई इफेक्ट लगेगा। बट दोनों कंपाउंड में सिमिलरिटी क्या है कि एक Cl इनकी पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है जो सेम पावर का माइनस आई लगाएगा, जबकि इस कंपाउंड में बाकी बचे हुए दो Cl ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है
और इस कंपाउंड के बाकी बचे हुए दो सीएल मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। इस कारण से इस कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो सीएल के नजदीक होने के कारण इसका ज्यादा इफेक्टिव माइनस है लगेगा, इसलिए इस कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस होगा वो इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होगा। इस कारण से कंपाउंड नंबर फर्स्ट जो होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड नंबर सेकंड से ज्यादा आएगी। इसके इस रिजल्ट को इसकी पीकेए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। इस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू 6.15 आती है, जबकि इस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू 7.73 होती है। और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना वीक एसिड होता है। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिनके कारण फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या आता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।